प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे एक्स बी आर एल। आखिर एक्स बी आर एल है क्या? देखो, एक्स बी आर एल एक भाषा है जो कि बिजनेस रिपोर्ट्स को लिखने के लिए तथा उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह डेवलप की गई है एक्स बी आर एल इंटरनेशनल से, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे हो, विकिपीडिया, तो ये HTML के ऊपर लिखी गई है। ऐसे कई साइट होती है, जैसे ब्लॉगर है वो XML के ऊपर लिखी होती है। ऐसे ही आजकल बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए लैंग्वेज क्रिएट हो चुकी है, इसका नाम है XBRL। सो एक अकाउंटेंट को तथा अकाउंटिंग स्टूडेंट को इस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस भाषा को सबसे पहले एक अकाउंटेंट ने डेवलप किया था। इसकी हिस्ट्री है, उस अकाउंटेंट का नाम था चार्ली हॉफमैन, ए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फ्रॉम टेकोमा वाशिंगटन। दिस इज वाशिंगटन है। तथा इस लैंग्वेज का जो मेन लिंक बेस है वो लेबल लिंक बेस है, दूसरा रेफरेंस लिंक बेस है, कैलकुलेशन लिंक बेस है, डेफिनेशन लिंक बेस है। इसमें ये भाषा ऐसे चलती है। तथा इसमें जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजी जाती है। ऐसे ही XML है, जिसके माध्यम से भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसकी एक कमी भी है, इसमें लैक ऑफ एक्यूरेसी है, अर्थात अर्थात इसमें ये गलतियाँ पाई गई हैं। अमाउंट कुछ मिस्टेक हो सकती है लेबलिंग की और क्लासिफिकेशन की, तथा आने वाले समय में इसमें और सुधार होने की संभावना है। तथा इसके कुछ रेफरेंस दी गई हैं, आप इनको भी स्टडी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।